पीने का शौक उनकी मौत का कारण बन गया। 6 लोग उस शराब को पीने के बाद अपनी जान गंवा चुके, जो बनाई जाती थी अवैध रूप से, जिसे कहा जाता है हथकड़ शराब, और जिसमें मिलाई जाती थी इच्छा अनुसार स्प्रिट। उस शराब को पकाया जाता था बेकार जूते चप्पलों से, फिटकरी और कीकर की छाल मिलाई जाती थी उसमें। लेकिन यह नशा फिर जानलेवा बन गया। बेटा और पिता सहित 6 लोगों की मौत हो गई। 2 दिन से चल रहा खेल अभी भी जारी है। रिपोर्ट अलवर से। अलवर के लक्ष्मणगढ़ तहसील के कुछ इलाकों की इन तस्वीरों पर नजर डालिए। पुलिस और आबकारी विभाग के ये लोग यहाँ उन भट्टियों को तोड़ने में जुटे हैं जहाँ बनती है हथकड़ शराब। लेकिन अब ये नशे का सामान नहीं बल्कि मौत का रास्ता बन चुकी है। दरअसल 2 दिन पहले अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील के टोड़ा गांव में एक ही परिवार के 2 लोगों सहित 6 लोगों ने उस शराब को पीकर अपनी जान गंवा दी, जो जहर बन चुकी थी। शराब माफिया कच्ची शराब में बेकार जूते चप्पल और सैंडलों को शराब पकाने में काम में लेते थे, और यहाँ फिटकरी और कीकर पेड़ की छाल का प्रयोग भी किया जाता है। इस गंदे पानी से तैयार होती है ये जहरीली शराब। ये शराब इस तरह बनाई जाती है कि कोई आम शख्स इसे बनता देख ले तो शायद वह इसके करीब भी नहीं जाए। जब उस शराब को पुलिस ने फैलाया तो जमीन भी काली पड़ गई। इस मामले में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई का डंडा चलना भी शुरू हो गया है, और लक्ष्मणगढ़ थाना अधिकारी और आबकारी थाना पुलिस प्रभारी सहित 3 को निलंबित कर दिया गया है। ग्रामीण अवैध शराब की पुलिस और SDM लक्ष्मणगढ़ से शिकायत करते रहे, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी, और जिसके परिणाम में सामने आई ये तस्वीर। कच्ची शराब पीने से या कहीं टोडा में बाहर से आते शराब, कुछ लोग आप भी काट क्या हथकर शराब आज हथकर शराब तो उसमें कुछ जहरीला पदार्थ मिला दिया होगा। तो हमको पता लगा, हम लक्ष्मण ले गए, लक्ष्मण से फरीदगंज ने रेफर कर दिया। मतलब हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही काफी दिनों से अवैध शराब कारोबार चल रहे। टोडा के सरपंच साहब से बात की, उन्होंने 10-20 दुकान बताई यहाँ। हमारे लीली में तो कोई शिकायत नहीं, लेकिन यहाँ से ले जाकर ही लीली वाड़ी पीते हैं। जो रायपुर जाट आई, रायपुर में जो लगातार 2-3 मौत हुई है, वो यहीं से ले जाके। 6 लोगों की मौत के बाद संभागीय आयुक्त हनुमान सिंह भाटी भी अलवर पहुंचे और पीड़ितों से इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों को उचित कार्रवाई के निर्देश भी दिए। इस मामले में IG DC जैन ने आबकारी विभाग के PO राजेंद्र कुमार और जमादार विजयपाल यादव और लक्ष्मणगढ़ थाना अधिकारी कर्ण सिंह को निलंबित कर दिया। इस जहरीली शराब पीने से जहां 6 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं कई लोग अभी भी अस्पताल में दाखिल हैं। लेकिन अब आला अधिकारियों का कहना है कि वो पूरे प्रकरण को दिखवा रहे हैं, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। करीब 6 कैजुअल्टी की बात सामने आई है, जो कैजुअल्टी हो चुकी है 6 की, और जिसमें से एक तो जयपुर रेफर किया था उसमें हो गया, 5 का जो था बाकी वहाँ 3 उन्होंने पहले ही क्रिमिनेट कर दिए थे उसको यहाँ आने के बाद, और बाकी 5 अभी रेफर किए हैं अभी लक्ष्मणगढ़ से। अभी 3 अरेस्ट हुए हैं और अभी मैं वहीं जा रहा हूँ, और मैं इसकी जानकारी कर रहा हूँ। IG साहब, SP साहब, कलेक्टर साहब वहीं पर। इन तस्वीरों को देखने से साफ होता है कि आखिर कितनी जहरीली होगी वो शराब जिसको पीने के बाद बस मौत ही एक रास्ता बचती है। लेकिन सामने ये भी आया है कि इन इलाकों में दूसरे स्थानों से भी शराब माफिया अपने लालच के चलते इस तरह की जहर को यहाँ के लोगों को परोसने में जुटे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि आधा दर्जन लोगों की जान जाने के बाद भी क्या प्रशासन की नींद उड़ती है या फिर नहीं। फर्स्ट इंडिया के लिए अलवर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।